जय जिनेंद्र बंधुओं खुशियों भरा कार्यक्रम है आप सभी का जी हाँ समस्या आपकी समाधान हमारा है इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या खत्म होती है पूर्णतः जड़ से और जीवन में रह जाती है खुशियां पॉजिटिविटी हर, हर ओर हर ओर सकारात्मकता क्या है खास इस कार्यक्रम की बात आप सभी को मैं बताना चाहूंगी ये एकमात्र कार्यक्रम आप ने देखा होगा जहां पर न सिर्फ हम आपकी समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं बल्कि आने वाले समय में ऐसा क्या करें जो आपके जीवन में जो भी दुखद चीजें होने वाली है उसे हम टाल सकते हैं समय होते जब छोटी छोटी चीजें हमें शुरुआत होती है बीमारी को, को लेकर भी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें ऐसी दवाई देता है कि आगे चल के वो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट ना हो सेम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपको नचा रहे हैं जी हाँ वही ग्रह आपके जीवन में दुख का कारण भी बनते हैं और वही ग्रह आपके जीवन में सुख का कारण भी बनते हैं लेकिन उस ग्रह के अनुरूप हमें चलना कैसे है ये बात विशेषकर देखनी होती है और यही बात इस कार्यक्रम के मंच से हम आपको बताते हैं चलिए बिना विलंब के आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए क्या है बताएंगे लेकिन उससे पहले अभिनंदन करेंगे गुरु जी का गुरु जी बहुत बहुत अभिनंदन है एक बार पुनः कार्यक्रम में गुरु जी आज एक ऐसा शब्द जो हम और हमारे दर्शक आपने भी बहुतों को कहा होगा वो शब्द ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या बात है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब हम किसी को समझाते हैं या कोई भी किसी को समझाता है वो समझ नहीं पाता है तो उसे यही कहते हैं भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हो किसी ने सही कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि एक दिन तुम एक बहुत अच्छा इंसान एक सुलझा हुआ इंसान सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल बिल्कुल, बिल्कुल। हर चीज में अव्वल सच बात है कॉन्फिडेंट अपनी मेहनत पे आगे बढ़ने वाला आईआईटी क्रैक करने वाला ठीक बात बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में सरवाइव करने वाला ठीक बात ऐसा क्या हो गया ऐसा कौन से उसके जीवन में ग्रह ऊंच नीच क्या उसके जीवन में घटित हुआ कि उसके साथ भी सबने कहा सही कहा है किसी ने विनाश काले बुद्धि क्या है ये विनाश काले कही। बोले इस को महीने, दो महीने में एक आध बार निकल ही जाता है किसी और मेरे साथ दिन में कम से कम दिन में चार बार वर्ड को निकालता हूँ विनाश कालीन विपरीत बुद्धि कारण क्या जैसे आपने नाम लिया सुशांत सिंह का वो ऐसा व्यक्तित्व जिसकी एक्टिंग एमएस धोनी से लेकर के सारी जितनी भी फिल्में आई इतना पॉजिटिव इतना इनोसेंट बंदा उसको देख कर के लगता था कि ये व्यक्ति कभी जीवन में ऐसी गलती कर सकता है लेकिन कर लिया वो आपको जान के आश्चर्य होगा कुछ दिन पूर्व भी वह एक ज्योतिषी से मिला था बात न्यूज चैनलों के माध्यम से पता चली थी और उसके उस जो ने भी कहा था इस समय तुम्हारा समय थोड़ा विपरीत है तुम्हारा मानसिक तनाव और तुम डिप्रेशन में जा सकते हो उस स्थिति में आकर के तुम सुसाइड भी कर सकते हो तो अपने आप को बचा के रखना लेकिन उसके बावजूद भी गलती कर बैठा तो इसे गए विनाशकालीन विपरीत बुद्धि डॉक्टर के पास गए खांसी बहुत तेज चल रही है आपको और आपने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो ठंडा दही बहुत पसंद है उसे मना मत करना मेरी मम्मी के साथ आऊंगा मैं डॉक्टर को दिखाने आप मना मत करना डॉक्टर बोला भैया खांसी है तो सर ठंडा दही तेरे को खाएगा तो खांसी और बढ़ेगी तो बोले नहीं आपको तो बोलना पड़ेगा ठीक है साहब डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला उसने ठंडा दही खाया और वह जाकर के निमोनिया बना वांगे जा चल के फेफड़े खराब हुए लंग्स खराब हुए और मृत्यु का कारण बन गया ये हुआ है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि विनाशकालीन भी वृद्धि क्या है जब आपके ग्रह गोचर खराब चल रहे कई बार मैं देखता हूं लग्न में शुक्र बैठा है लग्न में शुक्र बैठा है उस बच्ची को और जाकर शुक्र बड़ी डिग्री में लेकर के बैठा है अच्छी डिग्री का बैठा हुआ है और लोग आते बोले हम अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए विदेश भेज रहे हम अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के बड़े कॉलेज में भेज रहे या हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे गुरु जी आशीर्वाद दो ये जाए तुरंत मैंने कुंडली देगी मैंने कहा नहीं गलती मत कर बैठना अगर इसको भेजा तो यह जाकर के अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी और बॉयफ्रेंड बनाने के बाद चूंकि शुक्र की स्थिति है शुक्र तेज है शुक्र तेज है, मतलब अंदर कामोत्तेजना बढ़ेगी कामोत्तेजना बढ़ेगी तो बॉयफ्रेंड बनेगी और बॉयफ्रेंड बनाने के बाद गलत संगत में पड़ेगी और बॉयफ्रेंड उसके गलत फोटो वगैरह क्लिक कर लेगा और फोटो क्लिक करने के बाद उसको जीवन भर ब्लैकमेल करेगा इस समय ठीक नहीं है या भेजना है तो इसको अनवरत रूप से आप अपने घर में बैठ करके लाख पुष्पनाथ भगवान की जाप करो चालीसा करो और इसका चालीसा चालीस दिन तक बेटी से भी कराओ खुद भी करो उस बेटी से कहना रोज माला करे जाप करे बोले गुरु जी कहां आप पुराने जमाने की बात करते हो हम तो सिर्फ आपसे आशीर्वाद लेने थे कि आप आशीर्वाद दे दो हम जा रहे गुरु तो जी इसी को कहते हैं कि ग्रहों को शांत करना जब हम किसी ग्रह को की शांति के लिए पूजा वगैरह कराते हैं तो कहते हैं कि ग्रह शांत करवा रहे उसके बाद ये काम कर ले बिल्कुल 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 यही बात है अब उसके बावजूद भी नहीं समझना वो कर बैठे कर बैठने का ये परिणाम हुआ बेटी गई और बेटी वापस नहीं आई बेटी गई थी वापस नहीं आई उसने इतना डिप्रेशन हो गया था कि डिप्रेशन में कुछ या फिर वह गलत मार्ग पर चली गई तो इतनी गलत रास्ते पर चली गई कि उस उस गलत रास्ते से फिर वापस आना उसके लिए वापस नहीं था और हमेशा के लिए बेटी से हाथ धो बैठे कई बार बेटे के साथ स्थिति बन रही मैं कह रहा हूं साहब इसके ग्रह गोचर खराब है आप बिल्कुल गलती मत करिए किसी भी परिस्थिति में इसका ऐसा उपाय करवा लीजिए उन्हें नहीं किया बात पर ध्यान नहीं दिया और बिनाशकालीन विपरीत बुद्धि और उसका परिणाम ये हुआ कि उस बेटे ने जाकर के दोस्तों के साथ मिलकर किसी के साथ रेप किया और जा करके जेल चला के आजीवन उसका आवास भोग रहा है ये जो स्थितियां परिस्थितियां बनती है ग्रह के अनुसार कई बार मुझे एक याद आता है हमारे अभिन्न मित्र नाम नहीं लेना चाहूंगा टीवी के माध्यम से से उनके मित्र मैंने कहा कि भाई अभी आप किसी भी परिस्थिति में ये जो शादी उन्होंने शादी कुंडली किसी और पंडित जी से मिलवाई मेरे पास आए शादी की डेट निकलवाने आए मैंने कहा साहब इस शादी का डेट निकालना तो निकालना तो छोड़ो शादी मत करो अगर आपने शादी कर ली तो सुनिश्चित तौर पर मान के चलिएगा गारंटेड मान के चलिएगा बेटी का एक साल के अंदर तलाक हो जाएगा बोले तो क्या बात करते हो आप मैंने कहा बाप को अगर ये संबंध करना ही है तो कम से कम इस इस प्रकार के उपाय है कुछ वो उपाय कर लीजिएगा आप फिर करने बोले नहीं साहब ये फालतू बातें हैं और साल भर तो छोड़ो छह महीने नहीं, नहीं लगे और बेटी का तलाक हो गया ऐसे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं हजारों सैकड़ों उदाहरण मेरे सामने आते हैं एक उदाहरण और मैं आपको दे रहा हूं मंगल में मंगल की महादशा मंगल की अंतरदशा चल रही व्यक्ति आया मैंने कहा साहब इसका समय खराब है इस एक हफ्ते इसके लिए अंतरदशा बहुत खतरनाक है इसकी आप अभी इसी वक्त इसको ले जाओ और ब्लड डोनेशन करा दो इससे अगर आपने ब्लड डोनेशन नहीं कराया तो उसका ब्लड खून निकलने का समय है खून निकलेगा कैसे ना कैसे निकलेगा वो नहीं माने ऐसा फालतू बातें हैं और जाकर नहीं किया वो तीसरे से चौथे दिन एक्सीडेंट हुआ सिर फट गया एक बात मैंने बार कही थी शायद आपको याद होगा चैनल सिर फट गया खून बह गया और उसके बाद उस बच्चे को लौट के चार बोतल चार यूनिट खून चढ़ाना पड़ा इतना बह गया क्योंकि योग था मंगल में मंगल की महादशाएं अंतर दशा पित्युंतर दशा तो वह गारंटी 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 वह खून भाएगा तो खून अच्छा खून निकाल दो मिनट दो जाकर के ब्लड डोनेशन कर दो ब्लड डोनेशन का पुण्य भी मिलेगा किसी का जीवन भी बचेगा वो आपका जीवन बचेगा ही बचेगा नहीं साहबकालीन विपरीत बुद्धि विनाशकालीन बुद्धि क्या है तब समझ में आता है जब लोगों को कहा लोग आए बोले साहब गुरु जी तेल का व्यापार करने जा रहा हूं हम अब मस्टर्ड ऑयल का पैकिंग करेंगे हम रिफाइंड ऑयल की पैकिंग करेंगे आप मुझे आशीर्वाद देंगे हम इस काम में खूब उन्नति करें साहब कुंडली दिखाओ नहीं गुरु जी हमको मुहूर्त बताना किस डेट में हम काम चालू करें तो कुंडली दिखाओ कुंडली दिखाई मैंने कहा अरे साहब ये गलती मत कर बैठना शनि आपके शत्रु स्थान पर बैठा हुआ है ये तेल का व्यापार आपको तेल में बहा देगा मत करो व्यापार फिर भी बोले गुरुजी हम आपसे सलाह नहीं आशीर्वाद मांगने आए थे हम आपसे सलाह नहीं आशीर्वाद लेने आए थे आपसे सिर्फ डेट निकलवाने आए थे और आप सलाह देने बैठ गए कोई बात नहीं डेट दूसरे से निकलवा लेंगे जय जिनेन्द्र चला गया का जमाना नहीं है ये है विनाश विनाशकालीन विपरीत बुद्धि उस मित्र की मैं नाम लेकर के कह सकता हूँ उस मित्र को उसने जाकर के वो व्यापार चालू किया और ये स्थिति बनी उसकी ये स्थिति बनी कि बिल्कुल आज द, बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुका है कुछ भी नहीं करोड़ों का रुपया बिल्कुल जीरो में आ चुका है ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि ग्रह खराब हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि समय अच्छा नहीं है इसकी किस्मत में यही लिखा होगा ये सब एक ही वर्ड्स है बिल्कुल और इन सभी का जो पाना विजय कैसे प्राप्त कर सकते अगर कुंडली के बारे में हमें जानकारी हो बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी आजकल का सिनेरियो अगर देखा जाए डिप्रेशन कॉमन हो गया है बिल्कुल आ, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं चाहे आजकल छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में आ रहे हैं बिल्कुल और हम कह रहे हैं कि क्या लिखा है इसकी किस्मत में

इतना नहीं लगते दुख से क्यों घबराते हो ये समय है अगर आपका विपरीत समय चल रहा है आपका समय अनुकूल नहीं चल रहा है अगर आपका लगातार एक के बाद एक परेशानी आ रही तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो तनाव मत लो डिप्रेशन में मत जाओ अगर एक बार डिप्रेशन में चले गए और डॉक्टर के पास किसी साइकेट्रिक के पास चले गए किसी आप किसी मनोविकार वैज्ञानिक के पास चले गए डॉक्टर के पास तो आपको सिर्फ स्लीपिंग पिल्स देगा कुछ नहीं देगा उसके लिए आवश्यकता क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है वो महत्वपूर्ण चीज क्या है वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके लिए एक बात का विशेष करके ध्यान देना है वो विशेष करके बात देने की बात यह है कि जब भी आपको तनाव या डिप्रेशन वाली बात स्थिति बनती है उस स्थिति में चंदा प्रभुवान की जाप आठवें नंबर के तीर्थंकर भगवान चंदा प्रभुवान की जाप भगवान चंदा प्रभुवान का चालीसा भगवान चंदा प्रभुवान की माला भगवान चंदा भगवान का ही आप आराधना करें मैं विश्वास के साथ कहता हूँ दावे के साथ कहता हूँ चैलेंज के साथ कहता हूँ कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो वह आपके पक्ष में जाएंगी पॉजिटिव होंगी वो आपके सारे जीवन के कष्टों को निवारण करेंगी जब भी डिप्रेशन का समय हो बस एक काम ओम भिम श्री चंदा प्रभुचने इंद्रायन माँ ओम भ्रीम श्री चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमा ओम भ्रीम श्री चंद प्रभु ओम भ्रीम श्री चंद्र प्रभु जिनेद्राय नमा ओम भ्रीम श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमा और आंखों को बंद करें सुख आसन में बैठ जाएं नॉर्मल आसन में बैठ जाएं जिसे आलती पालथी मारकर बोलते हैं उसमें बैठ जाएं नाभि से दो अंगुल ऊपर तीन अंगुल ऊपर हाथ को ऐसा रख लीजिए लेफ्ट हैंड को नीचे राइट हैंड को उसके ऊपर आंखों को बंद कीजिए और विशुद्ध परिणामों के साथ एक लंबी श्वास लीजिए श्वास को रोक लीजिए जितनी देर तक रोक सकते हैं धीरे धीरे सनई सनई श्वास को छोड़िए उसी श्वास के आवागमन में आप ध्यान दीजिए धीरे धीरे सनई सनई एक श्वास आ रही है दूसरी श्वास जा रही है एक एक श्वास के लेखा जोखा पर ध्यान दें बाहरी चीजों से हट जाएं और शुद्ध देसी घी गाय का अपनी नाभि के अंदर लगाएं। ऐसा करने से मानसिक तनाव टेंशन अनिद्रा दूर होगी और बहुत महत्वपूर्ण बात चंदन के तीन भेद हैं चंदन के तो बहुत सात भेद आए हैं लेकिन तीन भेद विशेष करके लिए गए हैं एक आता है हिमगिरि चंदन दूसरा आता है लाल चंदन और तीसरा आता मलयागर चंदन तो ये तीन चंदन में अगर हिमगिरि चंदन मिल जाए लेकिन हिमगिरि चंदन की विशेषता ये है अगर हिमगिरि चंदन आप घर में ले आए तो हिमगिरी चंदन के साथ तुरंत दस बीस सांप आपके घर में आ जाएंगे तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए आप हिमगिरी चंदन के साथ एक डिब्बे में रखें उस डिब्बे के अंदर में आप भीमसेनी कपूर रखें उस डिब्बे के अंदर में आप लौंग रख दें, तो आसपास सांप नहीं आएगा हिमगिरी चंदन की विशेषता है अगर हिमगिरी चंदन को घिस करके कोई व्यक्ति 80 परसेंट जल चुका है उसके पूरे शरीर में लेपन कर दो चंदन का लेपन होते ही साथ वो उसका सारा कष्ट दूर हो जाएगा बाजार में आसानी से मिलती है हिमगिरी चंदन के बाद आता लाल चंदन एंटीबायोटिक का काम करता है कोई व्यक्ति को कितनी बड़ी चोट लग गई हो मैम उस समय लाल चंदन को घुसो और दिन में तीन बार उस चोट पर लगा दो विश्वास करेंगे आप तीन दिन के अंदर कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं देना हमेशा हमेशा के लिए वह घाव दूर हो जाएगा इतना चमत्कारी है इतना चमत्कारी लाल चंदन जो बाजार में बहुत सरलता से हजार डेढ़ हजार दो हजार रुपए किलो मिलता है हिमगिरी चंदन पंद्रह सोलह हजार रुपए किलो मिलता है मलयाग्र चंदन अगलो पांच सात हजार रुपए किलो मिलता है मलयाग्र चंदन का तिलक कहते हैं चंदन शीतलता करे तपत वस्तु जा जासो पूजो पराम देव गुरु ते चंदन शीतलता करें चंदन को क्या करना है चंदन की आपको टीका बनाकर के मस्तिष्क पर बिल्कुल यहां पर लगाना है कहां पर लगाना है ये दोनों आई ब्रोज के बिल्कुल बीच में आपको चंदन का वो भी कौन से मलयाग्र चंदन का टीका लगाए टीका लगाने से क्या होगा उसकी बारह रेखाएं इधर से बारह इधर चौबीस उसमें से नसें होती हैं वह चौबीस नसें जाकर के पूरी कनेक्ट होती हैं आपके ब्रेन से तो जैसे ही आप वहां पे तिलक लगाते हो तुरंत पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है कितना भी डिप्रेशन हो कितना भी तनाव हो कितना भी टेंशन उसके दिमाग पर चल रहा हो जैसे ही वह तिलक लगाएगा उसी समय उसके दिमाग में बिल्कुल वो आ जाएगी तो दूसरी बात क्या होती है ये पूरी चौबीस रेखाएं एक्टिव होती है ब्रेन उसका बहुत ज्यादा काम करने लगता है पढ़ाई में मनने लगता है एकाग्रता आने लगती है गलत नेगेटिविटी दूर हो जाती है वो तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण चंदन की बात चली तो यहाँ पर बता देना चाहूंगा अगर किसी को तेज बुखार आ चुका है 103-104 डिग्री बुखार आ चुका है उसको मलयाग्र चंदन लें और मलयाग्र चंदन के साथ में आप गुलाब जल आता है शुद्ध गुलाब जल को उसमें डाल करके घस लें चंदन को चंदन को घसने के बाद माथे पर पूरा लगा दें पूरे माथे पर और ज्यादा बुखार आ रहा है तो पूरे चेहरे पर लगा दो फेस मास्क फेस क्या बोलते उसको आप लोग mask. लगाते हो नहीं जो कुछ और बोलते फेस 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 पैक पैक के जैसा लगा लो आप तो आपका ग्लो भी आएगी चमक भी आएगी और दूसरा काम क्या करेगा यह पूरे आपके चेहरे से पूरी गर्मी को निकाल देगा तपन जो हो रही है वो हटा देगा बिल्कुल और ज्यादा अगर बुखार बढ़ रहा है तुरंत रिजल्ट चाहिए तो उसमें आप दो काम कर थोड़ा सा भीम कपूर चंदन और गुलाब जल तीनों को पीसें अच्छा खासा और और पैर के के हाथों इन नाखूनों पर लगा दें पूरे आगे पीछे पूरा जैसे मेहंदी लगाते हो इस प्रकार से लगा दें और उसको दसों हाथ के मतलब और दसों पैर के और पूरे हाथ की उंगलियों के नाखूनों पर लगा दें हाथ पैर के और विश्वास मान के चलिएगा कि वह आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा जी, जी। बिल्कुल तो बंधु यदि आप भी समय समय पर अपनी कुंडली का अवलोकन करते रहेंगे तो यकीनन यह शब्द से कोसों दूर हो जाएंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि क्योंकि हमें पता होगा कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है और यकीन मानिए यह आप सभी के लिए बहुत जरूरी है तो यदि आप भी गुरु जी से मिलना चाहते हैं परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं आज के लिए बस इतना ही कल पुनः होगी मुलाकात गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय जिनेंद्र